हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य और एकल झिल्ली कोशिकांग के बारे में, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग के बारे में और बिना झिल्ली वाले कोशिकांग के बारे में। लेकिन गाइज, क्लास शुरुआत करने से पहले अब तक हमने लास्ट 4 क्लासों में जो कुछ पढ़ा है वो मैं आपको बता देता हूँ। गाइज, अब तक साइटोलॉजी की 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे थे भैया साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान। गाइज, कोशिका विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें भैया हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। गाइज, ये जो साइटोलॉजी शब्द है ये दिया था भैया हार्टविंग ने। हार्टविंग नाम के वैज्ञानिक ने भैया ये साइटोलॉजी शब्द दिया था। और कोशिका विज्ञान का जनक साथियों किस वैज्ञानिक को कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। कोशिका विज्ञान का जनक, कोशिका विज्ञान के जनक के बारे में गाइज मैं आपको पढ़ा चुका, कहा जाता है भैया रोबोट। क्यों कहा जाता है साथियों, क्योंकि सबसे पहले कोशिका के बारे में इसी ही वैज्ञानिक ने बताया था। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, आगे चलते हैं। आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है बताइए, मैं आपको पढ़ा चुका। आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक, तो आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है भैया, तो आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक है स्वानसन। कौन है? स्वानसन। इसने साथियों सेल पर एक पुस्तक ही लिख दी और पुस्तक का नाम है द सेल। द सेल। और गाइज, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, तो कौन है? डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा। भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन है भैया? ए के शर्मा, डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा। बोलो, ये पहली क्लास में पढ़ाया था गाइज मैंने इन सभी के बारे में डिटेल में। दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था साथियों कोशिका की खोज के बारे में, कोशिका की खोज के बारे में। देखिए, कोशिका की खोज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले 1665 में रोबोट हुक जी ने साथियों कॉर्क टिश्यू में मृत कोशिका की खोज की थी। और साथियों 1676 में एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरियल सेल की खोज की थी भैया, वो एक जीवित कोशिका थी। इतनी बात क्लियर है? तो कोशिका की खोज के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की। उसके बाद में साथियों हमने क्या पढ़ा, उसके बाद में हमने कोशिका सिद्धांत पढ़ा। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत साथियों 1838-39 में स्लाइडन में स्वान ने दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक सजीव कोशिका व कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बने होते हैं, प्रत्येक सजीव में कोशिका पाई जाती है, प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाए जाते हैं। उसके बाद में साथियों ने कोशिका सिद्धांत के अपवाद पढ़े थे। कोशिका सिद्धांत के अपवाद, और कोशिका सिद्धांत के अपवाद के बाद में साथियों हमने क्या पढ़ा था, कोशिका सिद्धांत के अपवाद के बाद में हमने जाना कि भैया कोशिका सिद्धांत फैल हो गया क्योंकि स्लाइडन व स्वान ये नहीं समझा पाए कि किस तरीके से कोशिका से ही कोशिका का निर्माण होता है, इसलिए कोशिका सिद्धांत को फैल माना गया। और भैया बाद में आया आधुनिक कोशिका सिद्धांत, और आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, 1855 में रुडोल्फ वर्चौ ने। आधुनिक कोशिका सिद्धांत, इन सब के बारे में गाइज मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका, सिर्फ मैं इतना बता रहा हूं कि अब तक हमने पिछली 4 क्लासों में इतना पढ़ लिया है। उसके बाद में गाइज हमने जाना कि यह संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है,
सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, और भैया सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? फिर गाइज हमने आगे बात की थी भैया हमारे मानव शरीर की, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, और भैया सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, सबसे छोटी होती है शुक्राणु, और सबसे लंबी होती है तंत्रिका कोशिका जो एक ब्रेन सेल है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। और सबसे छोटी कोशिका किसकी है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जीवाणु की है भैया, एक नाम बताओ उस जीवाणु का। तो इतनी सारी कहानी गाइज हमने लास्ट क्लास में पढ़ी। इसके अलावा और हमने क्या पढ़ा? मैंने आपको बताया था कि भैया संसार में जितने भी जीव हैं सभी जीव दो प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि भैया कोशिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कोशिका के प्रकार पढ़े थे लास्ट क्लास में हमने, कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो। एक है साथियों प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल, और भैया यूकैरियोटिक सेल। गाइज इन सभी के बारे में अब तक हम पिछली चार क्लासों में पढ़ चुके। अगर आपको इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में जानना है, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गाइज मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। गाइज अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज से देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, और मैं यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो डाल रखी है मैंने भैया बायोलॉजी से संबंधित, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा चाहे रेलवे हो, SSC हो, NDA हो, PCS, नीट, पटवार, पुलिस, कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उन सभी के लिए उपयोगी है। तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जरूर विजिट करें। नीचे आपको हमारा लिंक मिल जाएगा, फेसबुक अकाउंट का, इंस्टाग्राम अकाउंट का, टेलीग्राम चैनल का, और भैया ट्विटर का, जाकर आप फॉलो कर सकते हो और हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भैया किसके बारे में? प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य के बारे में। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एकल झिल्ली वाले कोशिकाओं कौन कौन से हैं, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकाओं कौन कौन से हैं, और भैया बिना झिल्ली वाले कोशिकाओं कौन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइज अगर आपको ये सारी कहानी समझ में आ गई है तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीन शॉट, ओके आगे चलते हैं। देखिए बेटा अब हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में। ध्यान से सुनना बेटा, एक एक बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हेडिंग क्या लगाओगे? प्रोटोप्लाज्म, प्रोटो प्लाज्म, प्रोटो प्लाज्म, इसे हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। बोलो हेडिंग लगा ली क्या आपने? सबसे पहले मुझे ये बताओ। ओके अब समझते हैं साथियों प्रोटोप्लाज्म के बारे में, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ क्या आपको पता है प्रोटोप्लाज्म की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? देखिए इसकी खोज की थी भैया पुर्किंजे नाम के वैज्ञानिक ने। किसने की थी? पुर्किंजे। इस पुर्किंजे ने भैया प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी। अब समझते हैं साथियों कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, जीव द्रव्य क्या होता है। गाइज हम एक नॉर्मल सेल लेते हैं, एक नॉर्मल कोशिका लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है,
ये भैया एक सेल है, एक कोशिका है। गाइज आपकी जो कोशिका है, इस कोशिका के ऊपर एक झिल्ली का आवरण होता है जो भैया आपकी सेल को सुरक्षा प्रदान करता है। और नाम क्या है भैया? इसका नाम है भैया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। क्या नाम है? कोशिका झिल्ली। मैंने कहा आपकी कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जो आपकी कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है और आकार आकृति देने का कार्य करती है। क्या नाम है? सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। इतनी बात क्लियर है? ओके गाइज, कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है केंद्रक। ये क्या है भैया? ये है न्यूक्लियस, केंद्रक। और इस केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस केंद्रक के चारों ओर भी बेटा एक झिल्ली पाई जाती है और इस झिल्ली को कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस झिल्ली को क्या कहा जाता है बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक झिल्ली क्या कहा जाता है? केंद्रक झिल्ली। अब आप ये कह दीजिए कि केंद्रक के अंदर एक द्रव पाया जाता है, या फिर आप ये कह दीजिए कि इस केंद्रक झिल्ली, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक द्रव पाया जाता है जिसे कहा जाता है केंद्रक द्रव। क्या कहा जाता है साथियों? इसे कहा जाता है भैया केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब ध्यान से सुनना मेरी बात गाइज। ये जो केंद्रक झिल्ली है, जो केंद्रक को सुरक्षा प्रदान कर रही है, केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। इस केंद्रक झिल्ली और ये जो कोशिका झिल्ली है, जो कोशिका को सुरक्षा प्रदान कर रही है, इसके बीच में साथियों एक गाढ़ा सा द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है भैया? एक गाढ़ा सा द्रव भरा रहता है और इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव। और इसी ही कोशिका द्रव में साथियों सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिका के कोशिकांग होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, वैक्यूल्स। ये सभी साथियों क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है। अगर गाइज आपको इतनी सारी कहानी समझ में आ गई है भैया, तो प्रोटोप्लाज्म आपको समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। एक बार और रिवीजन करवाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। गाइज पुरकिंजे की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सॉरी, मैं कह रहा था कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो भैया पुरकिंजे ने की थी। ये एक नॉर्मल सेल है। आपकी कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली लगी होती है जिसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। इस केंद्रक के चारों ओर भी एक झिल्ली लगी होती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है और इस केंद्रक में एक द्रव भरा रहता है जिसे केंद्रक द्रव कहा जाता है। गाइज कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसे कोशिका द्रव कहा जाता है और इसी कोशिका द्रव में ये सेल ऑर्गेनेल्स, ये सेल के कोशिकांग उपस्थित होते हैं जैसे कि राइबोसोम, लाइबोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल्स, ये सभी उपस्थित होते हैं। अब भैया बात ये तो हमारे समझ में आ गई, लेकिन हमें तो ये बताओ कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, ये जीव द्रव्य क्या होता है। देखिए कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी आपको ये कंपाउंड दिखाई दे रहा है, जो भी आपको ये यौगिक दिखाई दे रहा है गाइज, यही क्या है? यही प्रोटोप्लाज्म। तो मैं लिख देता हूं कि कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित
उपस्थित संपूर्ण भाग को या संपूर्ण यौगिक को, संपूर्ण भाग कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित संपूर्ण भाग को जीव द्रव्य या फिर भैया प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। अब ये प्रोटोप्लाज्म जो होता है साथियों, इसके दो भाग होते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भैया कोशिका झिल्ली के अंदर जो कुछ भी आपको दिखाई देता है साथियों, वो सभी क्या है? वो सभी प्रोटोप्लाज्म है। अब आपको समझ में आ जाएगा, जीव द्रव्य दो भागों से बना हुआ होता है, एक है लिक्विड और एक है सॉलिड, यानी कि एक है द्रव भाग और एक है भैया ठोस भाग। अब द्रव भाग में तो क्या क्या आ गया साथियों? एक तो आ गया कोशिका द्रव। अब ये कोशिका द्रव क्या होता है? कोशिका द्रव साथियों, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में जो द्रव भरा रहता है उसे कोशिका द्रव कहा जाता है। और दूसरा आ गया साथियों केंद्रक द्रव। केंद्रक के अंदर साथियों जो द्रव उपस्थित होता है वो हो गया भैया केंद्रक द्रव। और इस ठोस भाग में क्या आ जाते हैं? सेल के कोशिकांग आ जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, दिख रहा आपको? हाँ, और राइबोसोम्स, वैक्यूओल्स। ये सभी क्या है साथियों? बेटा ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स है, कोशिकांग है। अब बात आती है कि प्रोटोप्लाज्म किस किस से मिलकर के बना होता है? तो बेटा कोशिका द्रव से, केंद्रक द्रव से और भैया इस कोशिकांग से, इन तीनों से मिलकर के साथियों ये जीव द्रव्य बना होता है। जीव द्रव्य क्या है? कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी यौगिक उपस्थित है, जो भी भाग उपस्थित है गाइड, उस सारे भाग को क्या कहा जाता है? उस सारे भाग को प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य कहा जाता है। जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो ठोस पार्ट हो चाहे लिक्विड पार्ट हो, जो कुछ भाग दिखाई दे रहा है वो सभी भाग क्या है? प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है। बोलो समझ में आया क्या? नहीं आया तो कोई बात नहीं, और बताएंगे। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और रिवीजन करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया, देखिए भैया प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम बात कर रहे थे। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? तो भैया पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक ने की थी। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में कहा जाता है जीव द्रव्य। ये मैंने एक नॉर्मल कोशिका का डायग्राम बनाया है जो कि आपके सामने गाइज। कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली लगी होती है जिसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है केंद्रक, और इस केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो झिल्ली होती है उसे कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। और इस केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसे कहा जाता है केंद्रक द्रव, या फिर हम कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव भरा रहता है वो होता है केंद्रक द्रव। इतनी बात क्लियर है? ओके गाइज, ये कोशिका झिल्ली और ये जो केंद्रक झिल्ली है, इन दोनों के बीच में साथियों एक गाढ़ा सा द्रव भरा रहता है जिसे कोशिका द्रव कहा जाता है। और इसी कोशिका द्रव में साथियों सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, वैक्यूल्स। ये सभी क्या है साथियों? ये सभी कोशिकांग है, ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित जो भी भाग है साथियों वो सभी भाग क्या कहलाता है? जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ये दो भागों से मिलकर के बना होता है, एक लिक्विड पार्ट और एक होता है ठोस पार्ट, सॉलिड पार्ट। गए जो लिक्विड पार्ट होता है वो है एक तो कोशिका द्रव। कोशिका द्रव क्या होता है? कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में गाढ़ा सा द्रव भरा रहता है वो होता है कोशिका द्रव। इतनी बात क्लियर? केंद्रक द्रव क्या होता है? केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जाता है वो होता है केंद्रक द्रव। और साथियों सॉलिड पार्ट में क्या आता है? कोशिकांग आते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स जाते हैं साथियों। ये किस में होते हैं? ये भैया
इसमें होते हैं कोशिका द्रव में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, और ये तीनों मिलकर ही कौन कौन कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और कोशिकांग, ये तीनों मिलकर ही गाइज किसका निर्माण करते हैं, ये निर्माण करते हैं भैया प्रोटोप्लाज्म का। केंद्रक द्रव में क्या क्या होता है, तो जीन होते हैं, डीएनए, आरएनए दिख तो रहा है ना आपको, और क्रोमोजोम, ये सभी मिलकर कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव, कोशिकांग, ये सभी मिलकर गाइज किसका निर्माण करते हैं, जीव द्रव्य का, प्रोटोप्लाज्म का। गाइज आपसे एनडीए के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया सजीवों के शरीर का भौतिक आधार किसे कहा गया है, क्वेश्चन है भैया, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, सजीवों के शरीर का भौतिक आधार किसे कहा गया है, तो भैया इस प्रोटोप्लाज्म को कहा गया। और ये तथ्य किसने दिया था भैया कि प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य सजीवों के शरीर का भौतिक आधार होता है, ये दिया था भैया हगजले नाम के वैज्ञानिक ने, हगजले। स्प्रिंग सही कर लेना, देख लेना, लेकिन हगजले नाम है भैया वैज्ञानिक का। आशा करता हूं साथियों ये सारी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने क्या कहा, सजीवों के शरीर का भौतिक आधार किसे कहा गया है, प्रोटोप्लाज्म को, जीव द्रव्य को कहा गया है। और ये किसने, ये कथन किस वैज्ञानिक का था कि भैया प्रोटोप्लाज्म सजीवों के शरीर का भौतिक आधार होता है, तो ये था हगजले वैज्ञानिक का। और प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, पुरकुंजे नाम के वैज्ञानिक ने की थी। क्या होता है प्रोटोप्लाज्म, मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया। गाइज ये सेल ऑर्गनलीज है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, इन सभी के बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, सेल वॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं, केंद्रक के बारे में पढ़ने वाले हैं, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव के बारे में, सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइज हम आपको सब पढ़ा देंगे, एक एक चीज पढ़ा देंगे, बस आपको इतना याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ उन बातों को याद करते हुए चलना है और नोट्स बनाने हैं। बोलो इतनी कहानी समझ में आई गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और प्लीज़ चैनल पर नया है तो यार हमारा सदस्य बन जाइए, हमारी फैमिली का सदस्य बनो, जुड़ो भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। ओके भैया चलो आगे चलते हैं साथियों, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके भैया। देखिए भैया अब हम बात करने वाले हैं एकल झिल्ली वाले कोशिकांग कौन कौन से हैं, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कौन कौन से हैं, और भैया बिना झिल्ली वाले कोशिकांग कौन कौन से। अभी मैंने आपको कुछ कोशिकांग के नाम बताए थे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे हिंदी में कहा जाता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया इसे हिंदी में कहा जाता है, सूत्रकणिका, गोल्जी बॉडी इसे हिंदी में कहा जाता है गोल्जीकाय, लाइसोसोम, राइबोसोम, वैक्यूल्स को हिंदी में कहा जाता है रिक्तिकाय। गाइस ये सभी क्या है, ये सभी भैया कोशिकांग है, सेल ऑर्गनेल्स है। तो हमें यह जानना है कि किस कोशिकांग पर कितने झिल्ली का आवरण होता है, जैसे कि एकल झिल्ली वाले कोशिकांग कौन कौन से हैं, ऐसे कोशिकांग जिन पर एक ही झिल्ली पाई जाती है, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कौन कौन से हैं, ऐसे कोशिकांग जिन पर दो झिल्ली का आवरण पाया जाता है, और बिना झिल्ली वाले कोशिकांग कौन कौन से हैं, जैसे कि कहने का मतलब ऐसे कोशिकांग जिन पर एक भी झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता। तो ध्यान से सुनना मेरे बेटे, सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना डायरेक्ट आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो या फिर रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भैया आज टंटा ही खत्म कर देते हैं, आज अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि हमें कभी भी जिंदगी में कभी भी परेशानी ना आए, ठीक है बेटा। ओके तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनलीज, एकल झिल्ली वाले कोशिकांग के बारे में, किसके बारे में, एकल झिल्ली कोशिकांग, मैं लिख देता हूं
एकल झिल्ली, सॉरी एकल झिल्ली कोशिका एकल झिल्ली कोशिका। तो बताइए अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया, आता है आपको? देखिए भैया कौन कौन से हैं एकल झिल्ली कोशिका। नंबर एक पर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हिंदी में कहा जाता है अंत परदवी जालिका। नंबर दो पर आता है साथियों गोल्गी बॉडीज, गोल्जी काय। नंबर तीन पर आता है भैया लाइसोसोम्स, इसे हिंदी में भी सेम नाम है लाइसोसोम। और नंबर चार पर आता है साथियों वैक्यूल्स, हिंदी में कहा जाता है रिक्तिकाय। बोलो रिक्तिकाय साथियों प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। बाद में हम आपको पढ़ाएंगे कि प्लांट सेल में क्या अंतर है और भैया एनिमल सेल में क्या अंतर है, लेकिन फिलहाल आपको जो पढ़ाया जा रहा है बेटा वो तो आप पढ़ ही सकते हो। तो हम बात कर रहे थे सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स की, यानी कि एकल झिल्ली वाले कोशिकांग की। ये ऐसे कोशिकांग होते हैं गाइस जिन पर झिल्ली का सिर्फ एक आवरण होता है, यानी कि इस पर सिर्फ एक झिल्ली का आवरण होता है। कौन कौन से हैं? तो नंबर एक पर बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंत्यपरदवी जालिका, नंबर दो पर बात करें गोल्गी बॉडीज यानी कि गोल्जी काय, नंबर तीन पर बात करें लाइसोसोम्स और नंबर चार पर बात करें वैक्यूल्स जिसे आप रिक्तिका कहते हो। बोलो क्या ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं है? कभी भूलोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, ये होते हैं गाइज एकल झिल्ली वाले कोशिकांग, एकल झिल्ली वाले कोशिकांग। अब बात करते हैं गाइज डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कौन कौन से। ऐसे कोशिकांग साथियों जिन पर झिल्ली का दो आवरण होता है या दो झिल्लियों का आवरण होता है वो होते हैं डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। डायरेक्ट आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं साथियों कि भैया न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है उस पर कितने झिल्ली का आवरण होता है, तो भैया ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स है, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। नंबर एक पर क्या लिखोगे? न्यूक्लियस केंद्रक। नंबर दो पर माइटोकॉन्ड्रिया, इसे हिंदी में कहा जाता है सूत्र कणिका। और नंबर तीन पर बात करें क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, हरित लवक। बोलो भैया क्या इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? हम बात कर रहे थे डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स की यानी कि दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग की। तो कौन कौन से हैं? ये ऐसे कोशिकांग होते हैं साथियों जिन पर दो झिल्ली का आवरण होता है। कौन कौन से हैं भैया? एक तो है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका, और तीसरा है साथियों क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। बोलो सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स एकल झिल्ली वाले कोशिकांग कौन कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंत्यपरदवी जालिका, गोल्जी बॉडीज यानी कि गोल्जी काय, नंबर तीन पर बात करें तो लाइसोसोम और नंबर चार पर बात करें तो वैक्यूल्स रिक्तिकाय। और
डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं? दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है। अब बात करेंगे मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स की, लेकिन उससे पहले अगर आपको एक कहानी समझ में आ गई है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। मिटा दे भैया, ओके जी। देखिए भैया, अब हम बात करते हैं नंबर 3 पर मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स की। तो हेडिंग लगा लीजिए, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि बिना झिल्ली वाले कोशिका। ये ऐसे कोशिकांग हैं साथियों जिन पर एक भी झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता, बिना झिल्ली वाले कोशिका। और साथियों मैंने आपको जितने भी लिखवाए हैं साथियों वो सभी इम्पोर्टेंट हैं। उनमें से अब तक आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हैं साथियों, तो जो मैंने लिखवाए हैं सिर्फ उन्हीं में से आए हैं। आप कोई भी परीक्षा के क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, चाहे नीट ले लीजिए, चाहे एनडीए पीसीएस या फिर रेलवे एसएससी पटवार पुलिस कुछ भी देख लीजिए। कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है? पहला वाला राइबोसोम ये इंपॉर्टेंट है भैया, पूछा गया है 2-3 बार। नंबर 2 पर आता है माइक्रोबोडीज, सूक्ष्म काय। और नंबर 3 पर आता है भैया सेंट्रोसोम्स, तारक काय। ये होते हैं साथियों बिना झिल्ली वाले कोशिकांग, इन पर एक भी झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता। तो आज हम यहीं तक रखते हैं साथियों, समझ में आ गया आपको? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कर लो यार सब्सक्राइब, बहुत कम सब्सक्राइब हो गए हैं यार, इतने दिनों की मेहनत कर रहा हूँ। ओके फिर मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको बता दूं साथियों, हम कल किसके बारे में पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। जो सेल कवरिंग होती है ना वो दो होती है, एक होती है सेल वॉल और एक होती है सेल मेम्ब्रेन। तो कल कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोशिका भित्ति पढ़ाने के बाद में अगर टाइम बच जाता है तो कोशिका झिल्ली के बारे में भी देख लेते हैं। फिर मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम। अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए और अपनी तैयारी करिए। बाय।